नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कैसे आप वंशावली बना सकते हैं और जो इसका उपयोग है आप कहां पर और किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वंशावली बनाने के लिए आप चाहे तो दस्ते में भी बना सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर से भी बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको अपना पीढ़ी दर पीढ़ी वंशजों का नाम आपको मालूम होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आप वंशावली क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर से बनाते हैं तो सबसे पहले ये स्टार्ट बटन से आपको अपना एमएस ऑफिस वर्ड ओपन कर लेना है, जैसे मैं ओपन कर लिया हूँ। और ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको इंसर्ट में जाना है, जैसे न्यू पेज तो ओपन रहेगा, उसमें आप टाइप कर सकते हो या फिर यहाँ से आप ब्लैंक पेज ले सकते हो इंसर्ट में जा करके इस तरीके से। फिलहाल मेरे पास पहले से मैं क्रिएट करके रखा हूँ, जो मेरा ये सेव वाला फोल्डर यहाँ पर शो हो जाता है, जो भी सेव है वो वाला। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार से टाइप कर लेना है, जैसे कि प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक का नाम, उनके पिताजी का नाम, जाति, ग्राम, पोस्ट, तहसील वगैरह आपको टाइप कर लेना है। दोस्तों, उसके बाद आपको इस प्रकार से लिख करके अपने परदादा का नाम या फिर उससे भी आगे का यदि आप नाम जानते हैं तो यहाँ पर उनका नाम लिख दें। उसके बाद उनके जो भी पुत्र पुत्री हैं उनका नाम यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले आप नाम ही टाइप कीजिएगा, उसके बाद ये जो एरो और जो लाइनिंग है वो बाद में खींच लेना। दोस्तों, तो जैसे मैं नाम लिखा हूँ, उसके बाद इंटर प्रेस किया हूँ, इस प्रकार से दो बार इंटर प्रेस किया हूँ ताकि ये जो एरो का निशान है वापस आ जाए। इसे बैक स्पेस की सहायता से मैं वापस भी आ गया इस तरह से। और इसके बाद दोस्तों, इनके जो पुत्र हैं उनका नाम, यानी आपके जो पिताजी हैं उनका नाम यहाँ पर रहेगा, उनके भाई, उनके बहन जो भी हैं। और यदि ये आपका पिताजी है तो यहाँ से आप एरो का निशान लगा दोगे। सबसे पहले आप नाम लिख दें, अपने भाई बहन जो भी है यहाँ पर उनका नाम लिख लें, और जिसके नाम से बनाना चाहते हैं उसे बोल्ड कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो ये एरो का निशान है, यहाँ इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ से जाना है शेप में, और शेप में जाने के बाद ये जो है इस प्रकार से ले सकते हैं आप। आप इसको ऐसे घुमा भी सकते हैं, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। आप इसे हटाने के लिए बैक स्पेस जैसे ही दबाओगे तो ये हट भी जाता है। दोस्तों, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ इस प्रकार से, और ये जो है इसको भी हटा देता हूँ इस तरह से। और इसे वापस लाने के लिए मैं फिर से इंसर्ट में जाऊंगा, उसके बाद शेप में, और यहाँ से जो लाइन है यहाँ से इसको पकड़ करके ऐसे खींच देना है। इस प्रकार से खींच देंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको इस प्रकार से, जो प्लस का आइकॉन दिखाई देगा उसको प्रेस करके, जो माउस का लेफ्ट बटन है आपको दबा करके इसे खींचना है। दोस्तों, ये बड़ा हो गया तो इसे छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से, और यदि ये टेढ़ा हो जाता है इस प्रकार से तो आप इसे सीधा कर सकते हो इस तरह से। और दोस्तों, इसी प्रकार से हम यहाँ से इस तरह से एरो ले लेंगे और ऐसे हम कंप्यूटर से बना सकते हैं। आप चाहो तो दस्ते में भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और साथ में आप इस प्रकार से बना लेने के बाद आपको यहाँ पर सरपंच, पटवारी जो भी है आपके तहसील या फिर अपने एरिया का जो भी पटवारी है उनके माध्यम से ये जो है वंशावली सत्यापित करवा लेना है। दोस्तों, और साथ में जो पंचगण है, यानी आप जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ के आप
के आसपास वाले व्यक्ति हैं जो आपको जानते हैं, उनका यहाँ पर पंचनामा करवा लेना है, दस्तखत ले लेना है दोस्तों। इस तरह से बनाने के बाद आप इसका उपयोग जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए या फिर अपना जो पैतृक जमीन का बंटवारा, पैतृक जमीन का विभाजन करवाने जाते हैं तो उसमें भी आपको वंशावली की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से आप वंशावली क्रिएट करके दोस्तों आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।